अधिकार अपना उनका वो मतदान के रूप में कर रहे हैं, कहीं न कहीं लोग बहुत उत्साहित हैं, खुश हैं और विशेषकर केंद्र सरकार पर, जिस केंद्र सरकार ने लोगों को बहुत सारी लाभकारी योजनाएं दी और 370 जैसे एक धारा को यहां पे धराशायी करके, जो आतंकवाद और अलगाववाद का संरक्षण लेके जो पार्टीज यहां पे चुनाव में आती थी, आज उनको उन सब चीजों से बाहर निकाल के लोग मतदान कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का समर्थन है, लोगों का उत्साह है, लोगों की हमदर्दी है, जो आज मतदान केंद्रों में लंबी लंबी लाइनों में दिख रहा है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से किस तरह की तैयारियां और क्या कहना चाहेंगे उनको? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने जिस प्रकार से तैयारियां की हुई है तो हम तो बिल्कुल संतुष्ट है, हम सेटिस्फाइड है। जिस प्रकार से सुरक्षा का प्रबंध किया गया है, सुरक्षा बल तैनात है पिछले एक महीने के से। लोगों ने तो अपना मत, जो आज मत अधिकार अपना उनका वो मतदान के रूप में कर रहे हैं, कहीं न कहीं लोग बहुत उत्साहित हैं, खुश हैं और विशेषकर केंद्र सरकार पर, जिस केंद्र सरकार ने लोगों को बहुत सारी लाभकारी योजनाएं दी और 370 जैसे एक धारा को यहां पे धराशायी करके, जो आतंकवाद और अलगाववाद का संरक्षण लेके जो पार्टीज यहां पे चुनाव में आती थी, आज उनको उन सब चीजों से बाहर निकाल के लोग मतदान कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का समर्थन है, लोगों का उत्साह है, लोगों की हमदर्दी है, जो आज मतदान केंद्रों में लंबी लंबी लाइनों में दिख रहा है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से किस तरह की तैयारियां और क्या कहना चाहेंगे उनको? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने जिस प्रकार से तैयारियां की हुई है तो हम तो बिल्कुल संतुष्ट है, हम सेटिस्फाइड है। जिस प्रकार से सुरक्षा का प्रबंध किया गया है, सुरक्षा बल तैनात है पिछले एक महीने के से, और जिस प्रकार से यहाँ की मशीनरी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, जिस प्रकार से एम्प्लॉयज इसमें लगे हुए हैं और पूरा सेंट्रलाइज्ड सिस्टम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है, मुझे लगता है सिर्फ मैं नहीं, आम जनता इस वक्त संतुष्ट है इलेक्शन कमीशन की तैयारी। अच्छा, यस।